हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो एस्टीमेट कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, मतलब एस्टीमेट जो आपका सब्जेक्ट है फिफ्थ सेमेस्टर में यूपी पॉलिटेक्निक, यूके पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में, बीटेक में भी एस्टीमेट है। तो आज मैं आपकी एस्टीमेट बताने जा रहा हूँ, क्योंकि काफी आपकी कमेंट थी फिफ्थ सेमेस्टर का एस्टीमेट और आरसीटी दो सब्जेक्ट के लिए। तो आज से जो है मैं आपका एस्टीमेट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आरसीटी जो है, जैसे मुझे समय मिलेगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी इतना समय नहीं मिल पाता, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपको आरसीटी की वीडियो जो है प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन फिलहाल जो प्रेजेंट में चलते हैं, हम एस्टीमेट की तरफ चलते हैं। तो एस्टीमेट में जाने से पहले मैं आपको शुरू से ही कहता हुआ आया हूँ, हमेशा से यही बात करता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं तो ये पता होना चाहिए वो सब्जेक्ट है कि हमें क्या कराता है। तो सबसे पहले एस्टीमेट को हिंदी में कहते हैं प्राकलन, ये आपको ध्यान रखना है। प्राकलन हिंदी में क्या कहते हैं आप? प्राकलन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने डेफिनेशन में लिखी है कि एस्टीमेट क्या है। तो प्राकलन किसी कार्य की अनुमानित या संभावित लागत होती है तथा इसे साधारणतः निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे दो चीजें ध्यान देने योग्य हैं। देखो, एक तो अनुमानित और एक संभावित। ये कोई निश्चित राशि नहीं है। एस्टीमेट हम किसी चीज का बनाते हैं, किसी सपोज करो आपको एक रूम बनाना है, उसमें आपसे कोई पूछ ले हमारी इसमें कितनी ईंटें लगेंगी, कितना सीमेंट लगेगा, कितने मीटर क्यूब में सीमेंट है, कितना सैंड है, ये सारी चीजें आप निकालोगे उसमें। तो एक एस्टिमेटिक अनुमानित एक संभावित लागत बता दो कि आपकी जो लागत है इतने अनुमान के लगभग आपकी लागत लग जाएगी एक रूम में। और देखो, निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व ये हम ज्ञात करते हैं। अगर हमको निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व ज्ञात करेंगे तो एस्टिमेट एक अनुमानित लागत पे होगा। अगर हमने निर्माण कार्य पूर्ण हो गया तब बात करते हैं तो हमारा एस्टिमेट होगा, लेकिन वो क्या होगी? एक्चुअल कॉस्ट होगी, हमारी वास्तविक लागत होगी। उसमें आप कहते हैं काल्पनिक लागत, वो नहीं हो सकती, वो संभावित लागत नहीं हुई, क्योंकि आपकी पूर्ण निकल चुकी है। तो एस्टीमेट के कुछ टाइप होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्टीमेट के टाइप पे। तो टाइप कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रारंभिक प्राकलन होता है, कुर्सी क्षेत्रफल प्राकलन, घनमानदर प्राकलन, स्थूल रूप से परिमाण ज्ञात करके बनाया गया प्राकलन, विस्तृत प्राकलन, संशोधित प्राकलन, अनुपूरक प्राकलन, अनुपूरक और संशोधित प्राकलन, वार्षिक मरम्मत प्राकलन। तो जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा, आप तो इसमें बता दें आपको पहले, तो जैसे अगर आपको कोई ठेकेदार है एस्टीमेट बनाता है तो 10% जो है ठेकेदार प्रॉफिट जोड़ता है अपना उसमें। और बात करते हैं हम प्रारंभिक लागत पे, प्रारंभिक जो प्राकलन है इस पे बात करते हैं कि होता क्या है। इसमें आप प्रारंभिक किसी निर्माण कार्य करते हैं, कोई हमारा निर्माण कार्य चल रहा है उसके प्रारंभिक अध्ययन करते हैं, आर्थिक स्थिति नीति निर्धारण करने का आवश्यक होता है। प्रारंभिक मतलब मोटा मोटा, ऐसे हम कहते हैं कि इस चीज की मोटी मोटी चीजें लेना, वो प्रारंभिक प्राकलन होता है। उसके बाद में जब हम नेक्स्ट आते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा कुर्सी क्षेत्रफल प्राकलन। अब कुर्सी क्षेत्रफल जो प्राकलन होता है वो हमारा क्या होता है? जो कुर्सी क्षेत्रफल प्राकलन है, ये हमारा जो भवन होता है, भवन के क्षेत्रफल के आधार पर हमारा ये प्राकलन तैयार किया जाता है कि हमारा नया एस्टिमेट भवन के आधार पर हो गया। उसके बाद आता है घनमानदर प्राकलन। घनमानदर प्राकलन प्रारंभिक स्थूल प्राकलन जो होता है, जो मैंने प्रारंभिक प्राकलन बताया था, यही एक तरह से होता है आपका। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसको हम आधार के जो आयतन होता है उसके आधार पर हम प्राकलन को बनाते हैं। ये तो हम क्षेत्रफल के आधार पर बनाएंगे, लिख दो मैं, ये एरिया के आधार पर बनाएंगे और ये वॉल्यूम के आधार पर। उसके बाद माता स्थूल रूप से परिमाण ज्ञात करके बनाया गया प्राकलन। स्थूल रूप से जैसे दीवारों की कुल मोटाई ले ली हमने, दीवार जितनी भी हमारे भवन में है उसकी सारी मोटाई निकाल ली और दीवारों के प्रति मीटर दर से गुणा कर दिए, पर्याप्त शुद्ध लागत हमारी ज्ञात हो जाती है। ये होता है हमारा स्थूल रूप से प्राकलन। उसके बाद आता है हमारा विस्तृत प्राकलन। तो अब आपको इसी नाम से पता पड़ रही, विस्तृत प्राकलन डिटेल्ड एस्टीमेट। विस्तृत मतलब पूरी चीजें इसमें हम खोल के बताएंगे, विस्तृत का मतलब विस्तृत होता है आपको पता ही है। तो विस्तृत प्राकलन बहुत शुद्ध प्राकलन, इसे हम शुद्ध प्राकलन भी कहते हैं, क्योंकि ये विस्तृत है, पूरी जानकारी हमको देता है। इसमें निर्माण की प्रत्येक मद, प्रत्येक आइटम जितने भी होंगे सभी का हम इसमें लागत निकालेंगे, उसकी लागत को हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद में आता संशोधित प्राकलन। संशोधित प्राकलन क्या होता है? जो मैंने अभी बताया था ये विस्तृत प्राकलन है, इसी का अगर हम संशोधन कर दें, विस्तृत प्राकलन का ही थोड़ी बहुत इसमें एरर जो होता है उसका संशोधन करते हैं, उसी को हम संशोधित प्राकलन करते हैं। और उसके बाद में हमारा आता अनुपूरक प्राकलन, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट।
अनुपूरक प्राकलन क्या होता है? अनुपूरक प्राकलन जो है विस्तृत प्राकलन ही होता है। ये जो टाइप है आपके, अगर आपसे पूछता है कि प्रारंभिक प्राकलन दीदी टाइप पूछते, तो एक तरह से आपके ये प्रारंभिक प्राकलन में टाइप है कुर्सी, घनमान और स्थूल प्राकलन। बात करते हैं विस्तृत प्राकलन की, तो विस्तृत प्राकलन जो होता है ये एक तरह से आप टाइप रख लीजिए कि विस्तृत प्राकलन में आपके टाइप होते हैं संशोधित, अनुपूरक, अनुपूरक और संशोधित, और वार्षिक मरम्मत प्राकलन, ये आपके एक तरह से टाइप रख लीजिए। उसके बाद में आपका आता है लास्ट वार्षिक मरम्मत। ये क्या होता है वार्षिक मरम्मत? विस्तृत प्राकलन ये भी एक तरह से मैंने टाइप बता चुका हूँ आपको। ये क्या होता है? निर्माण को उचित और सुरक्षित दिशा में बनाए रखने के लिए हम वार्षिक मरम्मत प्राकलन को ज्ञात करते हैं। तो ये जो थी आपकी एक एस्टीमेट था, एस्टीमेट क्या होता है, कॉस्टिंग वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो एस्टीमेट के बारे में मैंने आपको बताया है। कॉस्टिंग, इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो हम आगे बताएंगे वीडियो में। और वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, कोई हमारा भवन है, किसी भवन को कोई खरीद रहा है या कोई बेच रहा है, तो उसका हम मूल्य कैसे निकालें कि भवन कितने रुपए का है, कितनी इसकी समय लागत है, या हमने कोई भवन बनाया और हम अपने रूम को किराए पर देना चाहते हैं, तो ये देखेंगे कि एक रूम का जो किराया है हम एक व्यक्ति से कितना किराया ले। ये सारी चीज हम वैल्यूएशन में पढ़ेंगे, जो आगे हमारी वीडियो आएंगे उसमें वैल्यूएशन बताएंगे। और इसमें जो है एस्टीमेट के बारे में बताया था एस्टीमेट। अब इसके बाद में हम आपको एक वॉल का बताएंगे कि वॉल का एस्टीमेट कैसे बनेगा, फिर रूम, फिर वन रूम, टू रूम, उसमें डॉट लगा देंगे। इसी तरह आपका सिंपल तरीके से हम आपको बताते हुए जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, और इसमें समझाने वाला कुछ था नहीं, थ्योरी थी। हालांकि मैं आपको बताने वाला था कि वन रूम का एस्टीमेट या एक वॉल का एस्टीमेट कैसे बनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी प्राकलन क्या होता है, एस्टीमेट क्या होता है, तो इसलिए 5-6 मिनट की वीडियो मुझे बनानी पड़ी।